अब और कोई जोक्स नहीं। अरे मेरा टर्न बाकी है अभी। नहीं यार प्लीज प्लीज यार, लास्ट टाइम तुम्हारी शायरी जो सुनी थी उसका सिर दर्द अब भी दर्द है। हाउ रूड आरती, सीधा वीडियो पे। हां पर इसमें गलती क्या है? जैसे कड़वी दवाई का याद करते ही मुंह कड़वा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारी शायरी सुन के याद आते ही ना कान दर्द होना शुरू हो जाता है। तुम जाओ यार, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मतलब तुम फोन चालू रख रही हो? हाँ तो उसमें बात नहीं करनी, मुझे तो वरुण कार्तिक ममता आती सबसे बात करनी है। वाह 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 वाह, बस बस बस, अभी इस बच्चे की टांग कोई और नहीं खींचेगा। अब इस ग्रुप में और कोई नहीं रोएगा। हाँ, और अगर रोएगा तो सिर्फ आरव ही रोएगा। मैं सच में फोटो नहीं लूंगी और हाथों रख दे, रख दे, रख आरव, डोंट वरी, अब कोई तुम्हारी टांग नहीं खींचेगा। अगर किसी ने तुम्हारी टांग खींची तो मैं उसे देखूंगा। हम तो डर गए। बस अभी बस, आपको पता है जब हम स्कूल में थे ना तब एक दिन भी ऐसा नहीं जरा जब आरव रोता नहीं था। चल चल झूठ मत बोल। अगर गर्ल्स उसकी ओर कोई चल रही है तो भी वो रोने लगता है, कुछ भी बोलता है। दीक्षा, इफ यू डोंट माइंड मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो बता सकती हो। ममता, हमने डिसाइड किया था कि आगे से हम इसके बारे में बात दीक्षा से कभी नहीं करेंगे। हाँ ममता, आई थिंक ये सही टाइम नहीं है इसके बारे में बात। हम सबके बीच में ठीक हुआ है, प्लीज यार अभी इसे और बिगड़ने मत दो। ऑब्वियसली मैं ये बात बिगाड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। अभी ये सवाल पूछने का मतलब क्या है? आरव, आंसर मी, अगर कार्तिक या वरुण किसी प्रॉब्लम में हो तो क्या तुम चैन से रह पाओगे? तो क्या हम मैं भी नहीं रह पाऊंगा। प्रॉब्लम के बारे में बात न करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, और मैं कंसर्न वे में पूछा है ताकि तुम दीक्षा को साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट दे सको। बट स्टिल ममता, आई थिंक इसके बारे में हमें अभी बात सही से करनी चाहिए। अपने फ्रेंड्स के प्रॉब्लम को जानते हुए भी हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? And I know ये difficult है, but हम सब साथ हैं ना। Actually I agree with ममता, ये emotional trauma जब तक दिमाग से नहीं निकलता तब तक trust करने में तकलीफ बहुत होती है। मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ और उस टाइम सिर्फ वरुण अकेला था, बट ये हम सब है ना। हाँ हम सब है, सही। दीक्षा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर इसके बारे में कंफर्टेबल बात। मम्मी पापा से मैं 15 साल से दूर रही हूँ और इसकी सिर्फ एक ही वजह है प्यार। मुझे आज तक सही मायनों में प्यार क्या है मुझे पता नहीं। और मैं छोटी थी तब से ग्रैनी संभालती थी, थोड़ी बड़ी हुई तब नैनी, और जैसे बड़ी होती मैं अकेली। दीक्षा बोलती रहो, हम सब सुन रहे हैं। हाँ बोलती रहो दीक्षा, बोलती रहो दीक्षा। ममता तुम्हें पता है कि मुझे याद नहीं मम्मी पापा ने कौन सी लास्ट बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट की थी। बस हर बर्थडे पे गिफ्ट आ जाता है। दीक्षा, हम सब समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के होने के बावजूद अगर हमें अनाथ जैसा पड़े तो क्या होता है? हाँ ट्रस्ट मी दीक्षा, ये बात मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। आरव ऐसे बोल रहा है? नहीं आरव, तुम नहीं समझते कि पेरेंट्स के प्यार के बिना रहना कैसे होता है। दीक्षा, अब जो है उसे हम बदल तो नहीं सकते, बट ट्रस्ट मी हम सब मिलकर तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ दीक्षा, आज से हम तुम्हारी फैमिली। यस। हाँ अगर दीक्षा, अगर आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, याद कर लेना कि अगर साथ चलोगे तो बहुत दूर तक जाएगी। आरव, बहुत दूर तक जाएगी। तुम कुछ नहीं कहोगे? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं दीक्षा, मैंने कहा ना कि पेरेंट्स के वैल्यू में समझता हूँ, उनके प्यार के वैल्यू में समझता हूँ। आई प्रॉमिस यू दीक्षा कि मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वैसे चलो अच्छा हुआ कि ममता ने बात की। हाँ ममता, रियली आई एम थैंकफुल टू यू। ट्रस्ट मी, तुम सबसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया। अच्छा ही चाहिए। थैंक यू ममता। ममता, इफ यू डोंट माइंड एक सवाल पूछूं? यार क्या बोलो। हाँ देख कार्तिक, मैं इसे मजाक में पूछ रहा हूँ, गुस्सा मत करना। क्या कहना है वरुण?
मुझे लगता है कि दीक्षा को एक बड़ी बहन मिल गई, बस अब जब कभी मिलेंगे तो ये बड़ी बहन ही निकले, बड़ा भाई मार खाएगा अभी तू। क्या बोल रहा है ममता? उस दिन के लिए मिसबिहेवियर के आई एम सॉरी, एंड बड़ी बहन हो या बड़ा भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक फ्रेंड में मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया। मुझे भी दीक्षा भूल जाओ सब बातों को, बस आगे का वेट यार, ये फोन पे बात बहुत हो गई। आरती आई वांट टू मीट यू, मिलने का ऑर्डर दे रहे हो समझो पर बस मुझे अभी तुमसे मिलना है। हाँ हाँ दीक्षा चलो ना अभी मिलते हैं, बहुत बात करनी है तुमसे। ओके ओके आरफ मैं प्लान करती हूँ और बताती हूँ, और दोस्तों अभी मुझे थोड़ा काम है, हम बाद में बात करते हैं। ओके हाँ मैं भी फोन रखती हूँ, मेरा फैमिली वेट कर रहा है डिनर के लिए, आज आज मेरी तो नाइट शिफ्ट है, तो बाय दोस्तों बाय। तुमने अभी तक अपनी फैमिली के बारे में दीक्षा से बात नहीं की? सोचा नहीं कि कैसे बताऊँ, पर अभी लगता है कि कैसे भी करके बता ही दूँ। क्या लगता है दीक्षा को अपनी फैमिली के बारे में बताने के बाद दीक्षा इसके साथ रहेगी या फिर दीक्षा छोड़ कर चली जाएगी? आई विश फॉर बेस्ट, बट मुझे लगता है कि दीक्षा आरोप की बात सुन के शायद समझेगी। मैं भी यही प्रार्थना करूँगा।